आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी अपने सामने किसी को झुकने नहीं दिया, किसी को अपना चरण स्पर्श करने नहीं दिया, और कोई उनके प्रति श्रद्धा रखता था तो वो कहते थे कि जिस मार्ग पर चल के हमने ये अवस्था प्राप्त की है, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। दुनिया का एक सरल चलता आदमी भी अगर सत्य धर्म का पालन करे, यज्ञ दान तप कर्म सब देगा, तो हम जैसा बस क्यों किसी के अब और कौन हरे आदर्श का मतलब क्या है। फिर ये प्रश्न हो सकता है कि परम सदगुरु जो थे गजानन महाराज के, उन्होंने क्या सत्य धर्म का आदर्श उपस्थित नहीं किया? अन्य लोग जो अग्निहोत्र के प्रचार में जुड़े थे जैसे परांजपे जी, क्या उन्होंने सत्य धर्म का आदर्श उपस्थित नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है कि अपने संप्रदाय का और अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य धर्म का आचरण कैसे किया जाए, इसका आदर्श उपस्थित किया है। लेकिन ये सत्य धर्म का आदर्श नहीं है। सत्य धर्म का आदर्श है कि जहाँ सत्य धर्म के अलावा न कोई संप्रदाय हो न कोई धर्म हो। साहब सत्य धर्म का पुनर्जीवन करने के पहले सभी संप्रदायों से और सभी धर्मों से मुक्त हो चुके थे, इसलिए साहब का जीवन सत्य धर्म के आचरणकर्ता के लिए एकमात्र आदर्श है। क्योंकि वो अनेक धर्मों का हो सकता है और जो अपने संप्रदाय का पालन करते हुए सत्य धर्म का आदर्श उपस्थित करते हैं वो मुसलमानों के लिए आदर्श नहीं हो सकते हैं। लेकिन साहब मुसलमानों के लिए भी आदर्श है क्योंकि साहब धर्म मुक्त व्यक्ति थे, जो संप्रदाय मुक्त व्यक्ति थे, इसलिए वो किसी के लिए भी आदर्श होते हैं। दुनिया के जो नास्तिक के लिए भी आदर्श हो सकते हैं। इसलिए सत्य धर्म का आदर्श दुनिया में किसी ने भी उपस्थित किया है तो केवल साहब है। और कौन आ रहे? उन्होंने दुख कष्ट में जीवन स्वीकार किया। किसके लिए? उनके खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने अपना जो कमाई है, अपनी जो धरोहर है वो सौंपी है, और वो धरोहर है धर्मपाठ। उस धर्मपाठ के समर्पण में वो कहते हैं कि दीन अनाथ जनता के दुख क्लेश निवारणार्थ जनता को ही समर्पित, उसको छोड़ के, स्वेच्छा से छोड़ के जनता को ही समर्पित। आज हम ये देखते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे भारत के हो या भारत के बाहर के हो, उन सबका कोई ना कोई एक सदगुरु है। गुरु सदगुरु, इसके बिना आजकल जीवन चलता नहीं है लोगों का। लेकिन उनके जो सदगुरु हैं उनका भी एक गुरु है और वो है साहब। और वो इस अर्थ में है कि उन सब के दुख क्लेश निवारणार्थ साहब ने सत्य धर्म का आचरण कैसे किया जाए ये बताया है। श्री जी ने तो 1944 में जब श्रुति पुनर्जीवन की प्रतिज्ञा की तो श्री जी खुद कहते हैं कि जैसे ही हमने प्रतिज्ञा की उसी क्षण हमारा कार्य पूर्ण हो गया। अब दुनिया के सामने आने बाकी है। हमने जो प्रतिज्ञा की, ऐसा चीजें कहते हैं, उससे पंच महाभूत सक्रिय हो उठे। पंच महाभूत को ये जो भूत भूत प्रेत हम सुनते हैं वो नहीं, संस्कृत में भूत कहते हैं प्राकृतिक शक्तियों को। आग है, हवा है, पानी है, पृथ्वी है, ये जो है पंच महाभूत है और आकाश है। सब कुछ जड़ चेतन पदार्थ इन्हीं पंच महाभूत से बना है। और जब श्री जी ने प्रतिज्ञा की उसी समय वो उनका मैसेज जो है, उनका जो संदेश जो है, वो इन पंच महाभूतों को उनके अंदर इंजेक्ट हो गया है, प्रविष्ट हो गया है। और उसके बाद से ये पंच महाभूत यानी सारी दुनिया का जड़ चेतन हर पदार्थ मनुष्य मात्र को सत्य धर्म की ओर लाने में लगा हुआ है। लेकिन ये इतना बड़ा कार्य क्या किसी के संज्ञान में आया?
खुद उनके जो शिष्य थे, खुद उनके जो भक्त थे, उनको तो हवा भी नहीं थी इसकी कि ऐसा कुछ बड़ा कार्य हो गया है। स्थिति का कार्य क्या है, उस कार्य को, उस कार्य का बीड़ा साहब ने उठाया, और साहब ने जो उठाते समय उनको इस बात की श्री जी ने कल्पना दी थी कि वज्रलेख सिद्ध होगा। साहब को उसकी परवाह कहाँ थी, उनको तो ये था कि जो जो मेरे शत्रु हैं उनकी इच्छा पूर्ण करने में मेरा तन मन धन सब कुछ सहा हो जाए, वो खुश हो, उनकी इच्छा पूर्ण हो। शिष्य तो ऐसा ही होता है, शिष्य का आदर्श तो सामने उपस्थित किया है, और ये करने के लिए उनको इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि मेरा क्या होगा आगे, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वो उस सर्वसमर्थ शक्ति का कार्य कर रहे जो इनकी ओर निगाह रख सकती है, जो इनका देखभाल कर सकती है। ये अनुभव उन्होंने लिया हुआ था, और उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ये इतना बड़ा दुस्साहस, जिसको कहते हैं आम जनता की भाषा में जिसको दुस्साहस कहते हैं, वो दुस्साहस किया, और उस दुस्साहस का फल है कि आज सारी दुनिया में अग्निहोत्र पहुंच चुका है। और ये, लेकिन ये ऐसे नहीं पहुंचा, कोई भी नई चीज़, कोई भी नया सिद्धांत, कोई भी नई बात जब दुनिया में लाई जाती है तो उसका दुनिया वाले उपहास उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, और उस बात को लाने वाले का अपमान करते हैं हर तरह से। साहब ने वो सब सहन किया, और ये सब सहन करते हुए उन्होंने कभी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वो जानते थे कि इनको पता ही नहीं कि आगे क्या है परिस्थिति आने वाली थी। वे दूरदृष्टा से, उनको मालूम था कि यही धर्म, सत्य धर्म, विश्व धर्म होने वाला है। मठ मंदिर जो उनका काव्य है उसके अंतिम पंक्तियाँ जो है, अंतिम चौपाइयाँ हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो 1965 में जब ये पहली बार लिखे गए, उसके बाद वो परिष्कृत होकर के 1963 में प्रकाशित हुई, तो 1962 में उन्होंने ये लिख दिया था कि अग्निहोत्र और सत्य धर्म ये विश्व धर्म होगा, घर घर में, मतलब इसी का राज्य चलेगा, वेदों का राज्य चलेगा। ये सब, ये उन्होंने ऐसा किसी के कहने से या सदगुरु की आज्ञा से कहा हो ऐसा नहीं, इन्होंने देखा था अपनी आंखों से सारा भविष्य। वो भविष्य अभी हमारी आंखों के सामने आया नहीं, हमारी आंखों के सामने इसलिए नहीं आया कि हम जिस लेवल के ऊपर जी रहे हैं उसमें हम चार फुट से, 10 फुट से या 50 फुट से आगे की चीज नहीं देख सकते। लेकिन साहब के बारे में शिष्य ने कहा था कि उनकी जो ऊंचाई है उसको देख के हिमालय शर्मा गया, तो वो ऊंचाई उनके शरीर के कद के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो उनके पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहे हैं, वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बोल रहे हैं। और वो व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि वो आगे हजारों साल तक के भविष्य को देख सकता था, और यह देख करके उन्होंने ये लिखा है, और इसलिए वो बेफिक्र थे। ये जो सामने वाले, जैसे अपन कोई भी घर का कामकाज करते हैं तो छोटे छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं, इनको क्या कल्पना हो सकती है कि आप क्या, किस महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं। तो उस समय दुनिया के सारे लोग उनके जीवितावस्था में जो थे वो इसी तरह उनके सामने छोटे छोटे नादान ना समझ बच्चे थे, जो समझ नहीं पा रहे थे कि साहब किस काम में लगे हुए हैं। और ये साहब ने काम, इसलिए इसी कारण से साहब इसकी अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे कि कोई उनकी प्रशंसा करे, कोई उनकी तारीफ करे, क्योंकि कोई काम को समझे तभी तो तारीफ करेगा, लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। इसलिए उन्होंने, उनको कुछ भी ऐसा मिला नहीं कि किसी ने उनकी प्रशंसा की हो, किसी ने उनके बारे में कसीदे खड़े हो, ऐसा किसी ने नहीं किया, और उनको इसकी किसी से अपेक्षा नहीं थी। उनको सिर्फ ये अपेक्षा थी कि मेरे सदगुरु प्रसन्न हो। 1968 में उन्होंने प्रचार शुरू किया, तो उनको ये सब भोगना पड़ा, हमने खुद, हम तो साक्षी हैं उसके। साहब ने जब ये कार्य शुरू किया तो उन्होंने कोई अपना सहयोगी चुना नहीं था। ये कार्य शुरू करते ही से जो साहब उसमें कहते हैं भ्रमर गान में कि नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, नव संबंध बनाया है और जीव से अब तो नाता है, तो वो ऐसी लिखने वाली बात नहीं थी,
उन्होंने हम सब से अपना संबंध तोड़ लिया था। दूर के नाते रिश्तों की बात नहीं कर रहे थे साथ, बेटे के बेटी की, बेटी की बात कर रहे थे, बेटे की बात कर रहे थे, भाई की बात कर रहे थे, माँ की बात कर रहे थे, पत्नी की बात कर रहे थे अपनी। अब इनसे संबंध सिर्फ वही है कि अगर ये अग्निहोत्र करते हैं, अगर ये अपनी सत्य धर्म का आचरण करते हैं तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ये कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ये रुखता साहब, ये रुख साहब हम लोगों के प्रति रखते थे। आप लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ये भ्रमर गान में साहब ने किमया जो कविता लिखी है वो किस अवस्था में लिखी है, और वो केवल लिखी नहीं है, उसको जिया है प्रत्यक्ष उन्होंने। तो ये सारी तकलीफें उठा करके मैं अक्सर ये देखता हूँ कि ईसाई मतावलंबी ये सोचते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया, कितना कष्ट सहा, वो उनको वो कोड़े खाते हुए रोमन सैनिकों के वो अपना शरीर जो है, अपना क्रॉस जो है वो धोना पड़ा पहाड़ी के ऊपर, उसके बाद उसको वहाँ पे खड़ा करना पड़ा और उसी के ऊपर उनको सूली पे लटका दिया गया। तो वो सोचते हैं, वो ये उनका ये कहना होता है, उनकी ये धारणा होती है कि ये सारे कष्ट उन्होंने किस लिए सहे, हम सब के लिए, मतलब उनको जाकर के 2000 साल से ऊपर हो गए। लेकिन आज के भी जो ईसाई हैं, कोई सोचता है कि आज 2000 साल बाद के जो ईसाई हैं उनके सूली पर चढ़ने के, वो भी ये सोचते कि हमारे लिए, हमारे दुखों को उन्होंने लिया ताकि हम सुखी हो सके, हमारे कष्टों को उन्होंने ढोया ताकि हम खुश सुखी हो सके। साहब ने भी यही काम किया है। आप महाभारत पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा करुण ऐसा चरित्र किसका है कि जिसको पढ़ के आंखों में आंसू आ जाए, कर्ण का। कर्ण से श्रेष्ठ कोई योद्धा नहीं था, पांचों पांडव नहीं थे, लेकिन कर्ण को हमेशा उपेक्षा सहनी पड़ी, उपेक्षा जिस किसी कारण से सहनी पड़ी हो। और बाद में श्री कृष्ण महाभारत में हमने बताया था कि कर्ण ने ये गलतियां की, इसलिए उसको ये द्रौपदी के वो वस्त्रहरण के समय वो चुप रहा वगैरह वगैरह कई कारण गिराए। साहब ने तो कुछ भी नहीं किया था, ऐसा एक भी अपराध नहीं किया था, फिर भी उनको सारी दुनिया की उपेक्षा तब सहनी पड़ी और आज भी सहनी पड़ रही है। 45 साल बाद उनके अंतर ध्यान होने के 45 साल बाद भी बेहतर क्या है, ये है क्या, ये है क्या कि दुनिया को उन्होंने जीवन दुख क्लेश अपने नष्ट करने का मंत्र दे दिया, अग्निहोत्र रूपी मंत्र, और उसके बाद भी दुनिया उनका संज्ञान ही नहीं ले रही, कृतज्ञता ही नहीं व्यक्त कर रहे कि उनको मालूम ही नहीं है। इसलिए साहब से संबंधित जो है, साहब को जो जानने वाले हैं, उनके चरित्र को जिन्होंने पढ़ा है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि ये दिव्य चरित्र दुनिया भर में पहुंचना चाहिए। कम से कम हमसे संबंधित जो लोग हैं उन तक तो ये चरित्र अपने पूर्णता के साथ पहुंचना चाहिए। हम शायद अपने बोल करके उतना नहीं समझा सके, लेकिन साहब का जो प्रकाशित चरित्र है वो तो उन तक पहुंचाने का कार्य हम कर ही सकते हैं, जो कुछ भी हमारे संपर्क में आते हों, भले ही वो अग्निहोत्र करते हो या नहीं करते हो। ये हम उनके प्रति अपना कर्तव्य के रूप में इस तरह से निभा सकते हैं। लेकिन एक और खास बात जो मैंने कही कि सद्गुरु किसी के कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उन सब का एक गुरु है जिसको श्री जी कहते हैं कि हमने तुम्हें जगत गुरु बनाया है। आज देखिए कि लोग जो गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, वो कोई मंत्र दे देते हैं, है ना, मंत्र दाता को सद्गुरु कहते हैं या गुरु कहते हैं। साहब ने जो मंत्र दिया, आज सारी दुनिया के लाखों लोग उसका उच्चारण कर रहे हैं, उस मंत्र का पाठ कर रहे हो, चाहे वो जापान के हो, कोरिया के हो, चीन के हो, अरब देशों के हो, कनाडा के हो, अमेरिका के हो, जर्मनी के हो, ग्रीस के हो, फ्रांस के हो, हर जगह लाखों लोग सुबह शाम इन अग्निहोत्र मंत्र का उच्चारण करते हैं, अर्थात साहब के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसी को जगत गुरुत्व कहते हैं। तो हम ऐसे जगत गुरु के संपर्क में आए हैं, ऐसे जगत गुरु के व्यक्तित्व के संपर्क में आए हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, तो हम उनका संदेश सब तरफ फैलाने के काम कर सकते हैं।
एक छोटी सी कहानी मैंने अभी पढ़ी थी कि एक गाँव में आग लग गई बहुत बुरी तरह, दूध होकर के गांव जलने लगा। तो गांव के सब लोग मिल करके जो कुछ भी कुआं ट्यूबवेल जो कुछ भी तालाब था वहां से पानी ले लेकर के उस आग बुझाने में लगे तो पूरा गांव लगा हुआ था। उस समय एक चिड़िया भी जो है वो तो अपनी चोंच में पानी ले लेकर के डाल रही थी। कई चक्कर जब उसने लगा लिए तो एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, उसने कहा चिड़िया तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें एक एक बूंद जो पानी लेके जा रही हो क्या इससे आग बुझने वाली है। चिड़िया रुकी और उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे मालूम है कि मैं जो एक एक बूंद पानी ले जा रही हूँ इससे आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी आग बुझाने वालों का नाम लिया जाएगा उसमें मेरा नाम होगा। और ये आग लगी थी तब तमाशा देखने वालों का नाम आएगा उसमें तुम्हारा नाम होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इतना विराट कार्य जो है जो पंच महाभूत कर रहे हैं, क्षेत्र जल पावक गगन समीर ये जो पूरा काम कर रहे हैं, ये हमारे हम में से एक की भी जरा सी भी मदद के बिना ये कार्य होना है जो साहब ने शुरू किया है, घर घर अपने उत्तर पहुंचना है। लेकिन हमें तो ये मौका साहब ने दिया है, ये मौका परम सदगुरु ने हमें नहीं दिया, ये मौका भगवान परशुराम ने हमें नहीं दिया, साहब ने हमें यह मौका दिया है कि हम ये मैसेज पहुंचा करके ये एक बूंद पानी अपनी तरफ से उस आग को बुझाने में जो सारी दुनिया में लगी हुई है एक अपना योगदान कर सके। भले ही हमारे योगदान से ये आग बुझने वाली न हो लेकिन इस आग बुझाने का श्रेय हमें मिलने वाला है, इस आग बुझाने का जो कुछ भी फल है जो कुछ भी इसका पुण्य है वो उसके हम हकदार होने वाले हैं। तो ऐसे आज के इस 45 साल के स्मृति दिवस पर हम ये संकल्प करें कि हम ये संदेश पहुँचाएँ, जैसा मन पड़े वैसा पहुँचाएँ। कोई साहब जैसे कहते थे कि कंधे पर झोला टांग करके घर घर जा करके ये मैसेज देना, यही कोई तरीका नहीं है। आप श्री जी कहते हैं कि आपके पास जो कुछ भी कला है आपके पास जो कुछ भी हुनर है वो लगाओ इसमें। अरे आप किसान हो आपके पास कोई हुनर नहीं तो आप खेती तो करती हो, खेती अग्निमंत्र पद्धति से करो ताकि चार वैज्ञानिक आकर के उसको देखें कि वाह ये अग्निमंत्र से खेती के अंदर क्या परिणाम होता है। जो कुछ भी आपके पास कला हो उसका उपयोग करो, आपको बोलना अच्छा आता है तो आप इसके बारे में स्कूलों कॉलेजों में जाकर के संस्थाओं में जाकर के अपने उत्तर की जानकारी दो। जो कुछ भी आपको नाटक आता है गीत आता है संगीत आता है जो कुछ भी आपके पास है चित्रकला आती है उस सब का उपयोग इस कार्य के लिए खर्च कर दो। तो आप में से हर एक व्यक्ति के पास कोई बहाना नहीं है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते। और देखिए कि ये कार्य करने का आनंद कैसा है कि ये कार्य जब आप करने लगते हैं तो आपको भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती, सारे दुख जो होते हैं सारे कष्ट जो होते हैं सारे टेंशन जो होते हैं हवा हो जाते हैं। ये आप सबका अनुभव है कि नहीं, सबका अनुभव ही है। तो ये काम ज्यादा से ज्यादा करने से हमारी आत्मा उन्नति होने वाली है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बनने वाला है। तो सामने हमें इस कार्य को देकर के वो एक ऐसा हमारे ऊपर उपकार किया हुआ है और दुनिया भर के लोगों के ऊपर उपकार किया हुआ है जो अग्निहोत्र के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। प्रचार अलग है और प्रसार अलग है, ये हमेशा ध्यान रखिए। प्रसार का मतलब होता है पब्लिसिटी, अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो पब्लिसिटी कीजिए, जो कुछ भी आपको मिलता है उससे अग्निहोत्र की चर्चा कीजिए। अग्निहोत्र की डायरेक्ट नहीं चर्चा कर सकते तो अग्निहोत्र कृषि के बारे में बताइए कि ऐसा ऐसा किसान है वो ऐसे ऐसे अनुभव ले रहा है। अग्निहोत्र चिकित्सा के बारे में चर्चा कीजिए, गरज ये कि अग्निहोत्र के बारे में आप रोज कुछ न कुछ बोलिए, सत्य धर्म के बारे में आप रोज कुछ न कुछ बोलिए, ये कार्य हो गया ऐसा आपका। तो इस कार्य का संकल्प हम आज के सुबह दिन पर लें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। आज का दिन यानी स्मृति दिवस है तो देविता ने भी वही कहा, पल्लवी ने कहा, जैन भैया ने भी कहा कि कोई दिन विशेष नहीं होता है स्मरण करने के लिए,
आपका जो चरित्र है, आपका जो जैसे जैन जी ने कहा कि उन्होंने हमको एक अनमोल देन दी है, वो पुस्तक है धर्मपाठ, जिसमें साहब के बोल हैं लिख करके उन्होंने हमारे सामने वो प्रस्तुत किया हुआ है, साहब के विचार हैं, यह सतत स्मरण रखना, इनको केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ इनको गुनना है और इनको स्मरण रखना है, और समय पर जब जब प्रसंग आए तब तक इसको आचरण में लाना है, क्योंकि बहुत सारी बातें हम जानते तो होते हैं पर जब प्रसंग आता है तो भूल जाते हैं, जब उसको करने का प्रसंग आता है तब भूल जाते हैं और बाद में उसका स्मरण होता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो हमारा जो साहब की स्मृति है वो सतत बनाए रखने की आवश्यकता है, 24 घंटे। साहब को समझना है तो साहब को समझने का माध्यम धर्मपाठ है, साहब की पुस्तकें ही साहब को समझा सकती हैं, साहब क्या है, ये साहब का व्यक्तित्व क्या है, कितना विशाल है, उसको समझने के लिए सही में एक ही मात्र पुस्तक है जो साहब को हमारे सामने उपस्थित करती है। जैसे साहब का चरित्र जितना साहब को उपस्थित करता है उससे भी ज़्यादा धर्मपाठ पुस्तक उपस्थित करती है। और मैं जैन जी की बात एक बार फिर दोहराना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने वो भ्रमर गान में लिखा, नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, मेरा भी उसमें संस्मरण है साहब के बारे का। और क्या होता है कि लोग बहुत कुछ लिखते हैं, लिखना कुछ होता है और करना कुछ होता है, साहब के लेखन की एक विशेषता है कि जो लिखा वो 100% आचरण में रहा तब वो शब्द लिखा गया। तो एक बार हम लोग अटकलकोट ही गए हुए थे और श्रीकांत जी से बातचीत हो रही थी, तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि और आपके अच्युत काका के क्या हालचाल हैं। तो मैं पहले तो शिष्टाचार से मैंने उनको उसका उत्तर दिया, फिर मैंने उनको बोला कि आपने भ्रमर गान पढ़ी है क्या? भ्रमर गान में साहब ने लिखा है कि नाते रिश्ते मित्रों से टूटा संबंध पुराना है, आप उन्हें काका कह रहे हैं मेरे सामने, इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया। पर जब हमने उनको काका कहा तब साहब ने हमसे कहा कि जब हमारा कोई भाई नहीं तो तुम्हारा काका कहाँ से हो गया? रिश्ता टूटा है ना टूटा, वो कोई लिखने के लिए नहीं है, बताने के लिए नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है। एक एक शब्द साहब ने जो लिखा है वो उसमें कहीं भी कुछ दिखाने सुनाने समझाने के लिए नहीं है, जो है, जो वास्तविकता है वह लिखा गया है। इसलिए साहब का साहित्य अनमोल साहित्य है, ऐसा साहित्य हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिल सकता है। वो शब्द हम जो 100% आचरण से और व्यवहार से सामने आए हैं, ऐसे शब्द लोग लिखते बहुत कुछ हैं पर उसमें का 10% भी व्यवहार का नहीं होता है या आचरण का नहीं होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं पर उसमें का कुछ भी आचरण का नहीं होता है, और यहाँ 100% आचरण का है। तो ये साहब के लेखन की विशेषता है, और इसलिए साहब की जो पुस्तकें हैं उनका सतत अध्ययन, चिंतन, मनन और उनको अपने दैनंदिन जीवन में जब भी हमारे सामने उस तरह के कोई विशेष प्रसंग आते हैं वो उस धर्म अनुसार साहब ने बताए हुए व्यवहार के अनुसार हो, इसका प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए साहब की स्मृति सतत बनाए रखने की ज़रूरत है, हर कदम पर, रोज़, सवेरे दोपहर शाम, हमेशा। ये साहब का स्मृति दिवस अपन उनके पुण्यतिथि को कहें भले ही, पर साहब की स्मृति सतत बनाए रखने की आवश्यकता है। जितने हम इस स्मृति को बनाए रखते हैं उतने हमारे आचरण में निखार आता जाएगा। हम अपने आप में उन्नति चाहते हैं, अपने आचरण में निखार चाहते हैं, तो हमें सतत उनका साहित्य का स्मरण बना रहना चाहिए और उसे हमारे आचरण में लाने का प्रयास होना चाहिए। यही साहब का सही मायनों में संस्मरण है, साहब को याद करना है, साहब को भेंट देना है, क्योंकि सब कुछ साहब को अपेक्षित अगर कुछ है। साहब ने ईश्वर के बारे में लिखा है कि ईश्वर को प्रिय है सत्य धर्म के आचरण करता, और साहब को भी प्रिय है सत्य धर्म के आचरण करता, इसके अलावा उनको कुछ भी प्रिय नहीं है। तो उनका प्रिय बनना है तो जितना ज़्यादा हमारा सत्य धर्म का आचरण दृढ़ता से होगा, जितना ज़्यादा
हम उसको करने का प्रयास करेंगे उतने हम उनके प्रिय होंगे, और उनके प्रिय होने का मतलब क्या है, हमारे अपने आप में सुधार होगा, हम उसे करेंगे। तो ये साहब हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे पल्लवी ने बोला, आप भाइयों मैंने सुना है पल्लवी को साहब के प्रति श्रद्धा है, पर मैं इन बच्चों से कहूँगी अध्ययन भी होना चाहिए, पूरी किताबें पढ़ो समझो, जो हमारे आदर्श हैं उनको जब तक हम उनका साहित्य नहीं पढ़ते, जब तक हम उनके जीवन से परिचित नहीं होते, तब तक हम उनको पूरी तरह से नहीं सुन के बहुत कुछ समझा जा सकता है। पर फिर भी हमारे पास चूंकि ये सारे साधन हैं समझने के लिए, तो समझने की कोशिश करना चाहिए। वास्तव में एक दुर्लभ चरित्र है, दुर्लभ चरित्र है, और इसको मतलब मैं मेरी बात करती हूँ कि वर्षों बाद भी आज की भी स्थिति है ऐसी कि कभी कभी कोई बात निकलती है और एक नया ही चित्र सामने उपस्थित होता है साहब का, जो इसके पहले कभी, जिसको क्लिक करना कहते हैं ना, हुआ ही नहीं होता है ऐसा एकदम, अरे ये भी है ऐसा लगता है। तो इतने वर्ष उनके साथ रह के, 45 साल से उनके काम में सतत लगे रह करके, साहित्य का अध्ययन करके, उस पर चिंतन मनन करके, उसको सतत आचरण में लाने का प्रयास करते हुए भी साहब पूरी तरह समझ गए, ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी बाकी है बहुत कुछ समझना, इतना विशाल व्यक्तित्व है। तो उस विशाल व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझने का हमारा अपना प्रयास भी होना चाहिए। कुछ हमें बना बनाया मिल जाता है, कुछ हमारा अपना प्रयास होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्तित्व को समझना, साहब व्यक्ति नहीं है, साहब विचार है, साहब यानी कार्य है, साहब यानी सत्य धर्म है। तो उनको समझना, उसमें व्यक्तित्व भी शामिल है, जैसे साहब के धर्मपाठ है, धर्मपाठ यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय बता रही है, तो साहब का जीवन चरित्र भी यज्ञदान तप कर्म स्वाध्याय बता रहा है। तो जैसे धर्मपाठ है वैसे ही मानव का अद्भुत दर्शन या साहब या साहब पुस्तक है, क्योंकि उन्होंने जीवन से भी सीख दी है, हमें लिख करके भी दी है और जी करके भी दी है। तो दोनों चीज़ों का हमारा अध्ययन हमें इस क्षेत्र में परिपक्व करेगा।